सर, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कंट्रोल डी का BP105 जो ये ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर है इसके बारे में। तो सबसे पहले ये इसका बॉक्स है, जो इसका रिटेल बॉक्स है वो ये जो इसका हाईलाइट फीचर है वो बताए गए हैं, जैसे कि पावर विथ माइक्रो USB, मतलब आप इसको USB पोर्ट के थ्रू भी रन कर सकते हैं, साथ में बैटरीज के थ्रू भी रन कर सकते हैं। इसमें जो बैटरीज लगती है वो 4 लगती है, अभी आगे बताएंगे। हाईली क्लिनिकल एक्यूरेसी, मतलब इसकी जो क्लिनिकल एक्यूरेसी है काफ़ी बढ़िया है। ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, फुल्ली ऑटोमेटिक है। और इस साइड बात करें तो ऑपरेशनल के जो इसके स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं, किस तरह से इसको कफ को बांधना है और किस तरह की पोजिशन पर बैठना है। और इस बॉक्स के अंदर अपन को क्या क्या मिलता है जो इसके नेट कंटेंट है वो है, एक तो बीपी मॉनिटर मिलता है, एक कफ मिलता है और AAA बैटरी मिलती है 4, एक यूजर मैनुअल, एक USB वायर मिलता है। और ये जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय ये अपने इंडिया में हरियाणा में ही मैन्युफैक्चर्ड हुआ है। तो इसकी जो कुछ खास बातें यहाँ पे ये देखिए, डिजिटल मॉनिटर विद इंटेलिजेंट फीचर, साथ में यहाँ पे USB पोर्ट, 99 मेमोरीज और 2 यूजर्स के ये जो मेमोरी है वो सेव रखता है, मतलब 2 लोग हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। यूज तो खैर कितने भी कर सकते हैं लेकिन जो मेमोरी फंक्शन है वो 2 लोगों का, ये अलग अलग जितने भी रीडिंग्स है वो स्टोर करके रख सकता है। लेकिन स्टोर करने के लिए कंपलसरी है कि उसमें जो बैटरीज हैं हमेशा इंसर्टेड और हमेशा उनका लेवल ठीक होना चाहिए, जैसे आप बैटरी चेंज करेंगे तो वो सब कुछ रिसेट हो जाएगा। और इसमें इंटेलिजेंट प्रेशराइजेशन है, एरिथमिया डिटेक्शन है, मतलब कि अगर आपकी हार्ट बीट है जो कि कम ज्यादा होती है और अलग अलग तरीके से, मतलब उसकी जो कंटिन्यूएशन है एक वो कंटिन्यूएशन नहीं होती, एरिथमिक पैटर्न में अगर आपका हार्ट बीट करता है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके बारे में भी आपको एक अलार्म देता है। इस साइड इसकी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये 1.5 वोल्ट पे रन करता है और जो इस ब्लड प्रेशर की रेंज है वो है लगभग 0 से लेके 280 mm ऑफ HG ब्लड प्रेशर है, उसकी एक्यूरेसी है प्लस माइनस 3 mm और जो पल्स है उसकी एक्यूरेसी है प्लस माइनस 5%। तो ये इसकी एक्यूरेसी होगी कि मतलब ये इतनी एरर शो कर सकता है। एक और इसकी जो ऑटोमेटिक ऑफ टाइमिंग है वो दी हुई है यहाँ पे 1 मिनट। तो आइए इसके बॉक्स को मैं ओपन कर देता हूँ और इसमें क्या क्या कंटेंट है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये है कफ, एक USB केबल, ये जो मेन यूनिट है BP मॉनिटर, और इसके अंदर यहाँ पे ये 4 सेल एवरेडी के सेल हैं और साथ में एक है यहाँ पे ये यूजर मैनुअल। तो जो इसके साथ आने वाली कोड है देख लीजिए आप, ये नॉर्मल जो USB माइक्रो USB आती है, मतलब टाइप सी वाली नहीं है, नॉर्मल USB है। और 81 लगभग 81 सेंटीमीटर लंबी ये कोड है, होने को तो ये काफी छोटी है लेकिन आप थोड़ी लंबी मंगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका कफ है वो कफ है कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे जो कफ है उसकी जो रेंज है वो इन्होंने दे रखी है 22 से 32 सेंटीमीटर की जो सरकमफेरेंस है उसमें ये इजीली आ सकता है। यहाँ पे ये बताया हुआ भी है कि ये एल्बो जॉइंट से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं, और ये 22 से 32 सेंटीमीटर की इसकी रेंज है उस पर ये वर्क कर सकता है। इसकी जो लेंथ है इसकी भी लेंथ ठीक है। तो ये है जो मेन यूनिट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया हुआ है, स्टॉप का बटन दिया हुआ है, सेट का बटन दिया हुआ है, मेमोरी का बटन दिया हुआ है। लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक स्पीकर का पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे स्क्रीन जब ऑन होती है तब यहाँ पे एक स्पीकर का साइन भी आता है। और जो इसका यूजर मैनुअल है उसके अंदर दिया हुआ है कि ये बकायदा आपको हाई ब्लड प्रेशर की और अरिदमिक जो पैटर्न है उनकी बकायदा स्पीकर पर जानकारी देता है। लेकिन मैंने इसे 2-3 बार हाई ब्लड प्रेशर भी मेजर करके देखा, पता नहीं सेट में आवाज़ आई नहीं, क्योंकि जो उसमें जो गाइड है उसमें दिया हुआ है कि इसमें कोई VOI करके एक बटन है, लेकिन वो बटन मुझे कहीं मिला नहीं इसमें, हो सकता है वो किसी दूसरे मॉडल में आता हो। हाल फिलहाल तो यहाँ पे एक स्पीकर का पोर्ट भी दिया हुआ है, एक USB का पोर्ट दिया हुआ है, पीछे के सेक्शन में जो है बैटरी कंपार्टमेंट है, इसमें यहाँ पे 4 बैटरीज है जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है। इसके अलावा लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे जो कफ का जो एयर का पोर्ट है वो दिया हुआ है, यहाँ पे जो ये कफ है, कफ का ये वाला पोर्ट है, इसे मतलब ये वाला सेक्शन इसमें ऐसे इंसर्ट कर देना है, बहुत इजीली इंसर्ट हो जाता है ताकि जो कफ है उसको ये इन्फ्लेट कर सके। पीछे की साइड ऐसा कुछ भी पोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। तो एक बार जो इसका डिस्प्ले है मैं उसमें आपको कुछ चीज़ें आ रही हैं वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे डिस्प्ले मैंने स्टार्ट का बटन इसमें दबा के रखा हुआ है, तो इसमें डिस्प्ले में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एक बैटरी का साइन देखने को मिलता है, एक मेमोरी का साइन देखने को मिलता है, यहाँ पे ये जो है ये क्लॉक का साइन है, और यहाँ पे क्लॉक और डेट दोनों आएंगी, हम कैसे आएंगे वो बताते हैं। ये जो सेक्शन है यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आएगा, इस वाले सेक्शन में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड में बार दिख रही है ये WHO की तरफ से जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है उसका बताता है कि यहाँ पे कि हाई है कि लो है, उस टाइप से ये जो
जिस लेवल की ये चमकती है, मतलब उस लेवल का आपका ब्लड प्रेशर है। तो ये WHO के इंडिकेटर है। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में दिखा रखे हैं, ये है कि आपके जो मेमोरी काउंट है, मतलब 99 ये ब्लड प्रेशर की रीडिंग सेव कर सकता है। तो ये कौन सी नंबर की रीडिंग है। और यहाँ पे ये यूज़र 1 और यूज़र 2 का साइन आएगा। यहाँ पे जो एवरेज ब्लड प्रेशर है जो किसी वन यूज़र का, सेकेंड यूज़र का, वो आएगा। यहाँ पे एक वॉल्यूम का साइन है जो कि मतलब बता रहा है कि आपका स्पीकर ऑन है कि ऑफ है। बाकी ये यहाँ पे पल्स शो करेगा। तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे यूज़र्स के लिए यूज़ करना है, तो मैं सेट बटन को एक बार दबाऊँगा। सेट बटन को एक बार दबाने के बाद यहाँ पे नंबर फ्लैश कर रहा है, एक नंबर, मतलब यूज़र एक के लिए रेडी है अब ये सिस्टम। तो अगर मेरे को यूज़र एक के लिए यूज़ करना है तो इसको दबा कर मेरे को इसको दबाना है ताकि ये स्टार्ट हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र दो के लिए, तो इसको सेट बटन को दो बार दबाऊँगा तो ये यूज़र दो के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये क्लॉक है, तो यहाँ पे मुझे जब से टाइम सेट करना है तो मैं सेट बटन को दबा के रखूँगा। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे ये यहाँ पे ईयर फ्लैश करने लग गया। मुझे अगर इसको चेंज करना है तो मैं नीचे वाले बटन को दबाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे ईयर चेंज हो रही है। सपोज़ मैं इसे लगा देता हूँ 2030, फिर मैं इसको एक बटन बार और दबाऊँगा। यहाँ पे अब ये मंथ आ रहा है, ये मैंने मंथ, सपोज़ मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया 7, फिर एक बार इसको दबाऊंगा। अब ये सपोर्ट डेट आ रही है, मैंने डेट सेलेक्ट कर ली है। और ये यहाँ पे टाइम फ्लैश कर रहा है, जैसे मैं टाइम सेट कर देता हूँ 4:15। और यहाँ पे PA, मतलब जो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर की यूनिट है, MMHG रखना चाहते हैं या किलो पास्कल, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे MMHG पे ही सेट रखना चाहता हूँ इसको। इसको एक बार और दबाएंगे, इससे मैं ये मेमोरी में सेव हो गया। ध्यान रहे जो मेमोरी का फंक्शन है, ये सब फंक्शन काम करेंगे जब तक कि आपके यहाँ पे बैटरी इंसर्टेड है। अब एक बार इसको हम प्रैक्टिकल डेमो करके देख लेते हैं। जैसे मेरे को किसी की मेमोरी देखनी है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो लेके दिखाई। तो अब जैसे मेरे को उसको मेमोरी में देखना है, तो मैं एक बार इसको मेमोरी सेट करूँगा। तो यहाँ पे जो ये नंबर 1 यूज़र है, इसकी बता रहा है यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी आई थी। ये सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर हो गया, उसके समय उसकी पल्स कितनी चल रही थी। मैं एक बार और मेमोरी प्रेस करूँगा तो ये जो फर्स्ट रीडिंग है वो आ जाएगी, दूसरी बार प्रेस करूँगा तो ये सेकेंड रीडिंग है वो आ जाएगी। तो जो फर्स्ट रीडिंग है ये बता रहा है कि 130 ये लेटेस्ट है, उसका टाइम आ रहा है। तो ये 130/87 है, तो ये थोड़ा सा हायर साइड जा रहा है, हल्का सा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पे ये तो लोअर साइड जा रहा था, ये हायर साइड है। तो ये दो अलग अलग लोगों की रीडिंग ली हुई है इसमें, मैंने जो यूज़र एक है उसमें ली थी। इसके बाद तो ये हो गई, अब मैं इसको बंद करता हूँ। उसके बाद अब हम देखना चाहते हैं जैसे यूज़र सेकंड है, सेट बटन दबाएंगे, दो दबाएंगे यूज़र, ठीक है। ये सेकंड यूज़र की रीडिंग आ रही है, ये पहली रीडिंग एक ही रीडिंग ली सेकंड यूज़र की अभी तक, जो इतने बजे ली थी। और ये उसका टाइम है, ये उसकी रीडिंग थी, ये पहली रीडिंग थी, और ये ऑलमोस्ट लो के साइड है। तो इस टाइप से ये काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब एक्यूरेसी ठीक है। कंपेयर करके देखा हमने इसको ओमरॉन का जो आता है उससे, तो ऑलमोस्ट सेम सी ही रीडिंग आ रही है। और कंट्रोल डी का जो ब्रांड है वो भी वैसे तो ठीक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम रहता है। ये ऑलमोस्ट आपको अंडर 1000 में मिल जाएगा। होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि ये जो कंट्रोल डी का ब्लड प्रेशर है वो मॉनिटर है वो किस टाइप का है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो या किसी तरह से वीडियो ने हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।